कानपुर के रहने वाले हर्षित श्रीवास्तव को पाकिस्तानी नंबरों से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसको लेकर सोमवार को हर्षित ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से मिलकर जान की रक्षा करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के बाद हर्षित ने एक समुदाय पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर 8 जून को हर्षित पर करनलगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद हर्षित को जमानत मिल गई, जिसके बाद अब उसके फोन पर पाकिस्तान के नंबरों से धमकी भरे कॉल्स आने लगे हैं। हर्षित ने बताया है कि जब फोन कॉल आई तो उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ था। हर्षित का कहना है कि लगातार वीडियो कॉल, वॉइस कॉल व मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनका कहना था कि पुलिस कमिश्नर से अपनी सुरक्षा की मांग की है। नंबर जो कि मैंने ट्रूकॉलर पर सर्च करा, उसमें फ़ोन किया तो HD कॉल बता रहा था, HD कॉल पाकिस्तान लिख के उसमें आ रहा था। अजीब टाइप के नंबर हैं और मुझे लगातार वीडियो कॉल और वॉइस कॉल मैसेजों से जान के मारने की धमकी और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी और सर कर्म करने की धमकी, इस टाइप की धमकियाँ मिल रही हैं। किस लिए धमकी दी जा रही है आपको? विगत दिनों में 8 तारीख को एक पुलिस ने, जिला प्रशासन ने मेरे ऊपर एक टिप्पणी करने पर, एक समुदाय के ऊपर टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया था। उस पर माननीय न्यायालय ने मुझे जमानत दी। उसके बाद ही लगातार मुझे धमकी दी जा रही है समुदाय की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कई जगह की तरफ से। इसके साक्ष्य भी मेरे पास हैं, मैंने स्वागत कराए हैं सबको और इसी विषय में आज माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ निवेदन करने आए हैं, तैयार कराने आए हैं, अपनी सुरक्षा की मांग करने आए हैं। आपको बता दें कि हर्षित श्रीवास्तव उर्फ लाला भाजपा नेता है। इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में करनलगंज थाने में इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हर्षित श्रीवास्तव उर्फ लाला भाजपा युवा मोर्चा का जिला मंत्री है और पूर्व में DAV कॉलेज के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर अपने ट्विटर अकाउंट का ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस सक्रिय हुई। आनन फानन में इसके खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A, 507 और 67 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पंजाब केसरी TV के लिए कानपुर से अम्बरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।